Adi. अरे बात नहीं करो। हाँ जी, जोर से बोलो। जोर से तीन बार दिल्ली जाके आ गए। आप तीन बार दिल्ली जाके आ गए? कोई माता वो एक बार बैठक लगे गई। हाँ, और दूसरी बार बाबा बुलाए तो गई। कहाँ बुलाए? दिल्ली। दिल्ली में बुलाए बाबा? कब बुलाए? लेटर के बारे में आधा है। लेटर में बाबा ने लेटर भेजा? लेटर के बारे में नहीं समझे तो बाबा बुलाए तो जाके वहाँ बाबा से मिलते वो लेटर बता दिया। ऐसे ऐसे बाबा का लेटर मिला, वो लेटर वो समझी नहीं। बोले बाबा बुलाया लेटर तो देखे ऐसे बात बोले। माता ने बाबा को लेटर दिया था, बाबा उस लेटर को नहीं समझे तो बाबा ने उनको बुलाया कि लेटर में तुमने क्या लिखा है बताओ। बाबा बुलाएंगे थोड़े ही, ऐसे कर सकते हैं? बाबा कम खर्च वाला नसी, आजकल इतने साधन है, नहीं समझने पर उनको बुलाएंगे कि तुम यहाँ आकर के हमें समझाओ। ये बिहार में चेक ताले तो एक बार जाके चेक ताले के लिए रखो, अंदर रखो। आने के बाद वो चिट्ठी लाना जिसमें बाबा ने बुलाया समझने के लिए। है बाबा भाई, आप उसकी क्या बोले तो क्या बोलती सुनने के लिए आकाश ले लिए वो मना करे है? उसकी सुनने के लिए या मना करे? किसने मना किया? आप तो नहीं मना, यहाँ मना किया, मना इंचार्ज ने। कोई भी हो, अच्छा उसके बाद पाठशाला में जाके वहाँ बोली सुने तो क्या बोले? वहाँ भी मना करे। आप गीता पाठशाला में नया न बोली और लंबी बात न करो, ये पर्सनल शिकायत है, उसको पर्सनल बाबा के साथ बाद में मिलकर के करना था और वो शाम को उस माता को बाबा के सामने ले आना यहाँ हैदराबाद में, और दिल्ली विल्ली जाने की जरूरत नहीं है क्लियर करने के लिए। हाँ, और ये भी है। हाँ जी, बाबा की इतनी तबीयत खराब रहती है, कितना खांसते हैं तो भी बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं और बाबा को जोर जोर से जवाब देना पड़ता है, इसकी क्या शूटिंग होगी? इसका उन आत्माओं के साथ क्या हिसाब किताब है? जो आत्माएं प्रश्न पूछती हैं और प्रश्न का समाधान बाबा को स्पेशल उनके लिए मिल जाता है तो उनको खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है। दिल की दुआएं मिलेंगी या बददुआएं मिलेंगी? दुआएं मिलती हैं तो खांसी भी क्या होती है? खांसी ठीक हो जाती है या बढ़ जाती है या खत्म हो जाती है? खांसी भी खत्म हो जाती। कितनी बार खांसी खत्म हुई, कितनी बार खांसी आती है? खांसी का रोग बाबा को ज्यादा था या दादा को ज्यादा था? दादा को ज्यादा था। तो दोनों का हिसाब किताब दुआएं पूरी कर देती हैं
तो अच्छा हिसाब किताब बन रहा है या गलत हिसाब किताब बन रहा है? अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है, खूब पूछा करो प्रश्न, अंदर कचरा ना रह जाए। और अरे छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और साठ देशों से 1100 आए। हाँ तो अरे सात नहीं, सात नहीं, 60 देशों से 12 × 5 पांडव और बाबा क्राइस्ट की आत्मा जीसस में प्रवेश करती है ना बाबा? हाँ जी। तो जीसस को जन्म जिसने दिया, कन्या ने दिया है, एक भाई का प्रश्न है वो। हाँ। कन्या ने दिया है तो बुरा मानते हैं ना बाबा लौकिक में, कन्या जन्म दिया तो कैसे एक भाई का प्रश्न है। कन्या का संसर्ग संबंध किसी पुरुष से हुए बगैर बच्चे का जन्म हो सकता है? नहीं, ये सब कथा कहानियां बनाई हुई हैं। उन कथा कहानियों के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। कन्या से कैसे जन्म होगा? और हाँ, क्रिश्चियंस ने जो भी बातें उठाई है वो कहाँ से उठाई है, कौन से युग से है? संगम युग से बातें उठाई है। संगम युग में तो जरूर है कि क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिली है, क्रिश्चियंस की राशि कृष्ण से मिली है, तो कोई हिसाब किताब होगा। यही हिसाब किताब है कि संगमयुगी कृष्ण को ज्ञान में जन्म देने वाली मूल रूप में कौन थी? कोई कन्या थी या आदर कुमारी थी? कन्या थी। तो यहाँ की बात को अपने ऊपर लागू करके उन्होंने स्थूल में लगा दिया कि स्थूल में कन्या थी और कन्या से क्राइस्ट का जन्म हुआ। ऐसे हो सकता है? भक्ति मार्ग में ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो यहाँ संगम युग में सच्ची हैं और वहां झूठी बातें बनाई रखी है स्थूल रूप में। जैसे अभी बकरे की बात बताई, मैं पनका बकरा स्वाहा करने की बात को उन्होंने क्या स्वाहा करना दी, शुरू कर दिया बकरे की बलि। अपने देवान को तो स्वाहा नहीं किया लेकिन बकरे को स्वाहा करना शुरू कर दिया। और हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याकश्यप का पता है? बड़ा भाई। हाँ बड़ा भाई तो है, लेकिन उनके पूछने का मतलब है ब्राह्मणों की दुनिया में हिरण्याकश्यप कौन है?
अरे बाबा हिरण्यकश्यप किनको कहते हैं? गुरु को। जिन गुरुओं ने अपना पेट बुद्ध रूपी बहुत बड़ा बनाया हुआ है, कितने कितने शास्त्र लिखे हैं और कितनी कितनी बातें बैठ बनाई है, उनका पेट भगवान आके फाड़ देता है। और उसका बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, उसकी आंख काय अक्ष माने आंख, उसकी आंख काय पे रहती थी, हिरण्य हिरण्य माने सोने के ऊपर, सोना माने सच्चाई। सच्चाई क्या चीज है दुनिया की, क्या चीज दुनिया की सच्चाई है और क्या चीज झूठाई है, असल में सत्य क्या है और असल में झूठ क्या है, क्या चीज है जिससे झूठ दुनिया बन जाती है, भगवान सर्वव्यापी है, क्या चीज है जिससे सच्ची दुनिया बन जाती है, गीता का बोला प्योरिटी। गीता के भगवान में भी प्योरिटी की बात काम करती है। एवर प्योर किस विशेष मुकर्र रथ में प्रवेश करता है, इस बात को संसार में जाहिर कर देना, इससे सचखंड की स्थापना होगी। साहब की बुद्धि एक मुकर्र रथ पर लगेगी, इधर उधर बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। तो प्योरिटी ही मुख्य है। क्या प्रश्न था? हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष जिसकी सोने की आंख थी और सोने के ऊपर ही जाती थी, माने सच्चाई के ऊपर जाती थी, माने जो भी पवित्र आत्मा है उनको वो अपने कब्जे में करता था। पवित्र कौन होते हैं? पुरुष या माता है कन्या है? माता है। कन्या माता है रूपी धरणी के ऊपर उसकी आंख थी, वो धरणी को लेकर के कहां चला गया? पाताल में, गड्ढे में चला गया। लेकिन था तो राक्षस ना, पूरी पृथ्वी को ले जा सका या फिर भी सत्य छिटक गया, सत्य छिटक गया, काशी नगरी, काशी नगरी छिटक गई। ओ हिरण्याक्ष कौन सा जानवर दिखाया गया है, है? अरे देखा नहीं टीवी में, है? बारह, बारह माने सुअर, सुअर का अवतार दिखाया है शास्त्रों में। असुरों का गुरु कौन दिखाया है? क्या नाम दिया? शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। वो आचार्य है सुअर जैसा पार्ट बजाने वालों का। सुअर क्या करता है? कीचड़ में लोटता है। तो सारी दुनिया को गड्ढे में ले जाने वाला कौन है? कीचड़ में लुटाई दे रहा है। आज सारी दुनिया कीचड़ में लोटने लगी, बड़े बड़े साधु सन्यासी भी पकड़े जा रहे हैं। कहाँ लुट रहे हैं? हैं? कीचड़। हाँ, सुअर के संग के रंग में आ गए, कीचड़ में लुट रहे हैं। सारी दुनिया को गड्ढे में ले गया। कीचड़ गड्ढे में होता है या पहाड़ में होता है? गड्ढे में होता है। तो पता चला सुकरा कौन हुआ, है? उसका बाल मोटा होता है या महीन होता है? मोटा बाल होता है, माने उसकी बुद्धि में जल्दी ज्ञान बैठता नहीं है गहराई से।
बीस बार आकर के साप्ताहिक कोष लेगा, भट्टी करेगा, फिर भी बुद्धि से ज्ञान उड़ जाता है। तो बुद्धि में आ जाना चाहिए कि वो कौन सी आत्मा है। इस्लाम धर्म का बीज बाबा, इस्लाम धर्म का बीज शुक्राचार्य हो गया। पृथ्वी को गड्ढे में ले जाता है, फिर दिखाया है भगवान ने शुक्र अवतार लिया। और पृथ्वी को बचाया, और శరీరం పెట్టినప్పుడు ఆత్మ ఉత్తర దిశ ప్రయాణం అయ్యి స్వర్గానికి చేరుకుంటాం శరీర చూడ ఉత్తర దిశ స్వర్గ పహుంచ జాతి ఆత్మ పుణ్య కర్మ జో కర్తా ఉత్తర దిశ స్వర్గ జాతి సమజా ఆత్మ सबसे जास्ती पुण्य कौन से युग में करती है? जब ज्ञान आता है तब पुण्य कर्म करती है, कि जब अज्ञानी है तब मनुष्य आत्मा पुण्य कर्म करती है? है? जब ज्ञान, जब ज्ञान मिलता है तो आत्माएं पुण्य कर्म करती है। और जितना बड़ा पुण्य कर्म करती है, संगम युग में जब बाप आते हैं उतना बड़ा पुण्य कर्म 84 जन्मों में कभी नहीं होता ही नहीं। तो भगवान बाप जो आते हैं वो उत्तर दिशा से पूर्व दिशा से आते हैं या पश्चिम और दक्षिण से आते हैं? उत्तर दिशा। अष्ट देवताओं में से एक महादेव को दिखाया है, कौन से कोण से आता है? ईशान कोण, जहाँ उत्तर और पूर्व दिशाएं मिलती हैं। तो उत्तर दिशा से वो आता है तो सबको अपने साथ कहाँ ले जाएगा? उत्तर दिशा में ही ले जाएगा, पहाड़ों पर ले जाएगा या गड्ढे में ले जाएगा, हिरण्याक्ष की तरह ऊंची स्टेज में ही ले जाएगा। దక్షిణ దిశగా వెళ్ళిన ఆత్మ పాపకర్మలు చేసుకుని మళ్ళీ ఈ నక్కజ ప్రపంచంలో వచ్చి జన్మ తీసుకుంటున్నాను. దక్షిణ దిశ మే పాపాత్మ జాతి నరక దునియా మే ఆకే జన్మ లేదు. గీతా మాయా మూఢా జన్మని జన్మని, जो मूढ़ आत्माएं हैं, मूढ़ बुद्धि, वो मेरे को नहीं पहचान पाती। तो जन्म जन्मांतर कहाँ जन्म लेकर के पार्ट बजाती है? नरक द्वापर कलयुग में जाकर के पार्ट बजाती है। वो द्वापर से कौन सी आत्माएं आती हैं? जो जिनके आने मात्र से ही दुनिया नरक बन जाती है, इस्लाम, इस्लाम धर्म। वो इस्लाम धर्म का राज्य दुनिया में कौन सी दिशा में है? दक्षिण, दक्षिण दिशा में। अफ्रीका, अरब देश और जो भी मुस्लिम देश है, अफ्रीका कहां तक फैली हुई है? एकदम दक्षिण तक फैली हुई है। तो वो विविचारी आत्माएं हैं, बाप आते हैं तो भी विविचार को नहीं छोड़ती, बाप को पहचान लेती है तो भी विविचार को नहीं छोड़ती। तो कौन सी दिशा में जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए? दक्षिण, दक्षिण दिशा में जाते हैं। बोलो बोलो, हाँ
हाँ जी शुक्ल पक्ष वालों शरीर मारोड़ अरे अभी यही बात से तो कनेक्टेड है बात। दक्षिण दिशा में असुरों का खेल चलता है और उत्तर दिशा में ईशान कोण आदि महादेव का खेल चलता है। तो उत्तरायण सूर्य जब होता है उस समय जो जीते जी मरेंगे जैसे भीष्म पितामह तो स्वर्ग में जाते हैं और दक्षिण दिशा में जब सूर्य चमकता है उस समय जो शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं नरक में जाते हैं। बाबा एक भाई का प्रश्न है बाबा वार्तालाप में बार बार प्रश्न पूछने का जरूरत क्या है? बाबा वार्तालाप में बार बार प्रश्न पूछने का जरूरत क्या है? भाई का प्रश्न है बाप तो संकल्पों को भी कैच कर सकता है ना, तो बाप को आने की जरूरत ही क्या है, बोलने की भी जरूरत क्या है? ब्रह्मा के तन में टाइम टाइम करे शंकर के द्वारा समझाए वर्षों ये सब लफड़ा ही क्या है? क्यों आते हो क्लास में? बाप तो वहाँ घर बैठे ही सब कुछ सुनाई देगा, वो तो जानता है ना ये बच्चा सब कुछ क्या जानता है क्या नहीं जानता है, इसको क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है। तो साकार तन की जरूरत है ही नहीं, बाप को इस सृष्टि पर आने की ही दरकार नहीं है, वो तो प्रेरणा से ही सारी पढ़ाई पढ़ा सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ और बहुत गहराई से ज्ञान उठाया हुआ है। बाप के आने का कंटा ही खत्म कर दिया। अगर कोर्स कर रहा होगा तो क्वेश्चन रेज कर रहा है, निश्चय नहीं कर रहा है, बार बार उसको प्रश्न होता है। एक माता है, एक माता का हाँ। स्टूडेंट है वो हाँ। वो पूछ रहा है मतलब एक क्वेश्चन पीछे नहीं बैठता है, वो बीके है, बीके में चल रहा है, क्लास में चल रहा है और बार बार एक तो क्लियर हो जाता है ना सीढ़ी सुनकर उसे सीढ़ी में सुनकर आपका जवाब हाँ ठीक है। तो जब तक समाधान नहीं होता है और वो समाधान करने के लिए लालायित है तो हमारा फर्ज क्या है, उसको छोड़ देना या उसका समाधान करते रहना? समाधान करते। कितने साल हो गए बाप दादा की सृष्टि पर आए हुए और कब से समाधान कर रहा है? बाबा ये कहता है तुम बार बार क्यों भूल जाते हो, नहीं कहता ना, इसके लिए कभी डांट डपट करता है नहीं। 63 जन्मों का हिसाब किताब है भूलने का, जिनका 63 जन्मों का कुसंग लगा पड़ा है, मान लो इस्लामियों के आने का टाइम हुआ और वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए तो कितने जन्मों का उनका संग हुआ कुसंग है? 63 जन्मों का कुसंग हो गया तो उनकी बुद्धि में बात जल्दी बैठेगी? वो हिरण्याक्ष भ्राता के संगी साथी हैं, कितनी भी बार भट्टी करें उनका मैल साफ होता ही नहीं, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है या शक्तिहीन है? सर्वशक्तिवान कब कहा जाए? क्लियर करेगा उनको है, वो हिम्मत हारने वाला नहीं है। और बाबा अभी जिस भाई के पास पूछा ना वो भाई अभी भी जीके में जा रहा है। कौन? वो अभी माता जी ने पूछा जीके में जा रहा है ना, वो जीके में अभी भी जा रहा है, उन लोगों से कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट है, कोर्स भी पूरा हो गया, 1.5 साल हो गया। हाँ तो उधर तो जो महारथी था बड़े से बड़ा ज्ञान का, बेसिक ज्ञान का महारथी व्यक्ति था, उनका बड़े से बड़ा दीदी दादियों का भी गुरु बन के बैठा हुआ था, उसने ट्रेनिंग दी है वहाँ टीचर्स को कि एडवांस की बातों का कैसे जवाब दिया जाए,
एक एक बात का काट कैसे किया जाए, तो वो तो ट्रेनिंग लेके बैठी हुई है टीचर्स वहाँ। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से यहाँ आता है और यहाँ की बात वहाँ जाके सुनाता है तो वो तो बाल में से खाल, खाल में से बाल निकाल निकाल करके डालती रहेगी। वही हो रहा बाबा, आप ही समझ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा जब तक भट्टी न कर ले, जब तक निश्चय पत्र न लिख करके दे दे, तब तक उसको जो बड़ा संगठन होता है मासिक उसमें नहीं आने देना है, और बाबा के संगठन में तो आने ही नहीं देना। नहीं तो व्यर्थ प्रश्न पूछता रहेगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा। हाँ जी, और हाँ है मुंड, ये कहा जाता है जहाँ आत्मा बैठती है, और रुद्रमाला उसे रुद्र कहा जाता है जो रौद्र रूप धारण करता है। जब गुस्सा आती है रौद्र रूप धारण करता है आदमी, तो पहले मस्तक से वाइब्रेशन निकलते हैं, आंखों से लाल लाल चिंगारी निकलती है या शरीर से निकलती है। पहला पंगा कौन उठाता है, है? आंखें और मस्तक, वहीं आत्मा बैठी हुई है, वही रौद्र रूप धारण करने वाली है। अक्ष कहते हैं उसको, अक्ष माने आंखें। कौन सी माला का नाम क्या है, रुद्र अक्ष है, रुद्र की आंख, विकराल आंख। हाँ तो माला, माला की गायन है ना। हाँ हाँ, इस तरह की आत्माएं जो मनन चिंतन मंथन ज्यादा करने वाली हैं। मनन चिंतन मंथन मुंड से होगा या रुंड से होगा, मुंड से होता है, तो वो है रुद्रमाला। रुद्रमाला और मुंडमाला एक ही बात हो गई। और रुंड कहते हैं धड़ को, वो एक ही बात है। है वो तो एक ही विजय माला ही विष्णु माला हुई ना। अभी भारत पर राहु की दशा है, आगे चलकर के बृहस्पति का दशा होगा, तो फिर ऐसे तो भारत को ही बृहस्पति कहे या भारत में प्रजा दशा अथवा राहु वाले आत्मा को ही कहा, उस पर उसकी दशा की क्या है, उस पर उसकी दशा क्या है, खुद पर खुद की दशा। हाँ, भारत कहे या बृहस्पति कहे। हाँ तो बृहस्पति का 100% रूप धारण किया है, 100% बृहस्पति बना है सतगुरु। बृहस्पति माने गुरुवार नहीं, क्या कहो, सतगुरुवार माने 24 घंटे सतगुरु को बुद्धि में धारण करने वाला बना है। अरे बना है तो बाबा पता नहीं। तो अच्छा, तुमको पता नहीं है, कैसे कह सकते हैं। अच्छा, जब तुमको पता पड़ जाएगा तो तुम प्रश्न पूछोगे, मिलता है तो तुम प्रश्न पूछोगे ही नहीं, वाइब्रेशन से ही समाधान हो जाएगा। तो सदगुरु की दृष्टि पड़ते ही सदगति हो जाएगी बुद्धि की, पूछने करने की दरकार ही नहीं रहेगी। और राहु माने सबसे खराब दशा, जिसे कहते हैं सबसे खराब राज्य कौन सा है दुनिया में, नहीं राहु, दुनिया का जो प्रैक्टिकल वातावरण है उसमें सबसे खराब सरकार से खराब राज्य कौन सा है,
अरे ग्रह कितने हैं? नौ ग्रह हैं। नौ ग्रह में नौ को गिन लो, कौन कौन आते हैं नौ? अरे नास्तिक धर्म नहीं है वो, तो है ही नहीं नौ के अंदर, अर्धनास्तिक। आर्य समाज जो प्रजातंत्र राज्य है वो कौन से धर्म आने के बाद प्रजातंत्र राज्य दुनिया में शुरू होता है? आर्य समाज आते हैं तो प्रजातंत्र राज्य शुरू। ये है अनलाकुल राज्य, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, अनलाकुल राज्य। वो ही राहु है, और कहा है सबसे खराब दशा है राहु की दशा है। इस भारत के लिए कहा है, है इस भारत के लिए कह है ना? हाँ, भारत में तो आश्रमों में पहला बनता है, पहला नंबर ले लिया। अब ये बताओ कि जो आर्य समाज है अथवा जो भी विधर्मी हैं, वो किसकी छत्र छाया में पलते हैं, किससे वरदान लेते हैं? निराकार से वरदान लेते हैं। जितने भी विधर्मी हैं, इस्लाम से लेकर बौद्ध, क्रिश्चियन आदि जो भी हैं, वो वरदान किससे लेते हैं, किसकी गोद में, किसकी छत्र छाया में पलते हैं? ब्रह्मा की छत्र छाया में पलते हैं। तो माँ का जो प्यार होता है वो छोटे बच्चे के ऊपर होता है या दूसरे बच्चों के प्रति ज्यादा प्यार होता है? छोटा बच्चा कौन हुआ, कौन हुआ? बोलेगा नहीं, बहुत चालाक है। बोलो जोर से, बोलो जैसे प्रश्न करते हैं जोर से, ऐसे जवाब भी जोर से दो, बोलो। अरे छोटा बच्चा कौन सा है? ब्रह्मा छोटा बच्चा है, वो तो पालना करने वाली अम्मा है। कौन है? उसको बोलने दो ना। अरे बोल, आर्य समाज है तो आर्य समाज के ऊपर किसकी छत्र छाया है सबसे जास्ती? हाँ, ब्रह्मा की छत्र छाया है। अरे जितने भी नारायण हैं, उन नारायणों में सबसे घटिया किस्म का नारायण कौन सा है जो अपना राज्य ही खो देता है और राज्य ही डुबो देता है? बाप दादा का कमाया हुआ नाम, मान, शान सब मिट्टी में मिल जाती है, वो कौन सा नारायण है? कौन से धर्म का है? उसका मुखिया कौन है बेसिक में? जगदीश भाई। बोल, और जोर से बोलो, इसमें छपे ब्रह्मा कुमारियां सुने। तो वो किसकी छत्र छाया में पल रहा है? हैं? हाँ, और उसकी जो धरणी है वो धरणी कौन है? अरे उसकी कोई धरणी भी होगी ना जो जन्म जन्मांतर कनेक्टेड रही होगी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्यादा कनेक्शन में आई होगी, संसर्ग संपर्क संबंध में आई होगी। कौन है? बोलो। हैं? आज घबरा रहा है बहुत ज्यादा। हैं? नहीं मालूम, बोलो। बोलो बोलो बोलो, गुलजार दादी बता रहा है। अब गुलजार दादी के ऊपर सबसे जास्ती छत्र छाया नहीं है ब्रह्मा बाबा की? कोई और ब्रह्मा कुमारी गुलजार दादी के मुकाबले है जिसको बाबा ने चुना हो? है? तो बताओ, जिसके ऊपर सबसे जास्ती छत्र छाया है वो सबसे जास्ती सिकिल्दा हो गया ब्रह्मा बाबा का? ज्यादा वरदान लिया या कम लिया?
और उन वरदानों का वो दुरुपयोग करने वाले युगल हैं या सदुपयोग करने वाले हैं? तो राहु की दशा हो गई। अभी राहु की दशा में ये अव्यक्तवाणी कौन पढ़ रहा है? बोलो, शिव बाबा पढ़ रहा है या ब्रह्मा बाबा पढ़ रहा है? और पढ़ते हुए भी उसको कौन सुन रहा है? पहले किसके कान सुनते हैं? वो तो शिव बाबा की बात, ब्रह्मा के कान सुनते हैं। अभी अव्यक्तवाणी जब पढ़ी जाती है, क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, तो वो क्लैरिफिकेशन सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के या प्रजापिता ब्रह्मा के? प्रजापिता ब्रह्मा के कान सुनते हैं। तो किसकी दशा है? राहु की दशा। समझ में आ गई? अच्छा, ये था बाबा। हाँ, राहु की दशा होते हुए भी उन्होंने अष्टदेव का पहला वाला नंबर लिया है। अष्टदेव का पहला नंबर लिया अभी कहाँ ले लिया? तो नंबर को डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर हुआ? डिक्लेयर होने का मतलब ये नहीं है ले लिया है। क्या बाप की प्रत्यक्षता हो गई? जब प्रत्यक्षता ही नहीं हुई तो नंबर कहाँ से ले लिया? प्रत्यक्षता होगी तब कहा जाएगा ये पहला नंबर ये आठवां नंबर। अभी तो कोई कह नहीं सकता। और कोई कहे कि ये पहला नंबर है तो हमारे सामने आए, हमें साबित करे। आओ, नहीं मुंह पे गल्ले मारते हैं। क्या चिट्ठी पढ़ना है? हाँ, बाबा और एक प्रश्न है भाई का। बाबा याद माना अपने को आत्मा समझ कर साकार में निराकार को याद करना। हाँ, फिर यहाँ राम वाली आत्मा खुद की आत्मा में याद करती है ना बाबा, रुकटी में। तो ब्रह्मा दादा लेकर सूक्ष्म शरीरधारी कैसे याद करेगा? वो एक तरह से पार्ट बजाती है वो आत्मा है, या दो प्रकार से पार्ट बजाती है? दो। कौन कौन से दो प्रकार? ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश करती है और भूल जाता है। ब्रह्मा वाली आत्मा दो रूपों में पार्ट बजाती है, वो दो रूप कौन कौन से है? ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर ही तो छूट गया, तो कौन कौन सा रूप रह गया? बीज रूप आत्मा रह गई और सूक्ष्म शरीर रह गया। सूक्ष्म शरीर की पराकाष्ठा ज्यादा है क्योंकि वो बीज रूप आत्मा नहीं है, लेकिन वो आत्मा जब बीज रूप सृष्टि का जो बीज है उसके कनेक्शन में आती है तो कौन सा रूप धारण कर लेती है? बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। तो क्लियर हुआ कि नहीं अब? है? हाँ, और सोलह हजार में कितने हैं जो ऊंच पद पाए सकते हैं? बताओ, एक सौ आठ तो फर्स्ट क्लास है जो राजा बनते हैं। अरे ये प्रश्न है वो, थोड़ा रुको, धीरज धर बनूंगा, धीरज धर। सोलह हजार में कितने हैं जो ऊंच पद पा सकते हैं? अच्छा, ऊंच पद होता क्या है? किसके मुकाबले ऊंच पद कहें? नीच पद क्या होता है? है? नीच पद होता है, नीचे ते नीचा पद है चांडाल का। उसमें भी दो प्रकार के चांडाल, एक प्रजा के चांडाल
और एक राजघराने की चंडाल, उससे ऊंचा पद है दास दासियों का। उसमें भी दो प्रकार हैं, एक राजघराने के दास दासी और एक प्रजावर्ग के दास दासी। तो ये तो नीच पद हो गया, और बाकी क्या हो गए? राज्य पदाधिकारी बनेंगे, राज्य के अधिकारी बनेंगे, छोटे या बड़े, उनको ऊंच पद कहेंगे या नीच पद कहेंगे? ऊंच पद ही कहेंगे। आज भी देखो, सरकारी नौकरी लेने के लिए, कोई कुर्सी पाने के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं। सरकारी नौकरी मिलने के लिए ज्यादा महत्व देते हैं या कोई धंधा दौरी के लिए ज्यादा महत्व देते हैं? सरकारी नौकरी के लिए अभी भी पीछे पीछे फिरते हैं। तो 16,000 पद हैं जो कोई न कोई जन्म में, कम से कम एक जन्म में तो वो पद मिलता है उनको। क्या प्रिंस बनेंगे? एक लास्ट जन्म में भी प्रिंस बनेंगे तो उनको पद तो मिलेगा ना, कोई कार्यभार सौंपा जाएगा ना, छोटा मोटा, वो उनका ऊंच पद हो गया। जब नाम ही है राजयोग, तो राजयोग सीखने वालों को ऊंच पद मिलेगा या नीच पद मिलेगा? अब जितना सीखेंगे उतना मिलेगा। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित तो हो गया कि भाई राजयोग सीख रहे हैं, आज से अंत तक सीखने वाले हैं। सीखने वालों की तो लिस्ट है नंबरवार, बाकी कम पद पावे या जन्म जन्मांतर का पद पावे वो अलग बात है। सोलह हजार वो है जो प्रिंस प्रिंसेस पद पाकर रह जाते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि राजा बने या न बने, लेकिन 108 की गारंटी है। क्या बनेंगे? एक बार 21 जन्मों का जब प्राप्ति होगी उसमें एक बार राजा जरूर बनेंगे। ऐसे ही 16,000 की गारंटी है, 21 जन्मों में कम से कम लास्ट जन्म में प्रिंस या प्रिंसेस जरूर बनेंगे। अभी जो 16,000 है ना, एक तो वॉच अलग है और एक 16,000 अलग है क्योंकि जो 16,000 है वो कंट्रोल्ड किससे होते हैं? 108 से कंट्रोल्ड होते हैं, इसलिए उनको अलग नहीं किया जाता है। जब बोला जाता है तो 16,108 ही बोला जाता है, क्योंकि जो 108 है वो हर जन्म में राजा नहीं बनेंगे। 108 में जो मुख्य बनता है वो हर जन्म में राजा बनता है क्या है? अरे राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, वो भी नहीं बनता। तो 16,000 के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? अरे रहेंगे। इसका मतलब वो कंट्रोलर ही बनेंगे, वो उनसे कंट्रोल होने वाले नहीं है 16,000 से, तो उनके साथ ही उनका नंबर है। इसलिए 108 में 8 जोड़े हुए रहेंगे, नहीं तो वो 100 काम ही नहीं करेंगे, उनके ऊपर कंट्रोलर चाहिए। हाँ जी, और 16,000 काम ही नहीं करेंगे 108 उनके ऊपर न हो। हाँ, कभी ऊंचा पद कभी नीचा पद, ये अलग बात है।
और बाप की तो अनर आठ है, एक सौ आठ की वाला अलग है, दोनों एक सौ आठ है या आठ अलग है और सौ अलग है। अभी बताया ना, सौ अपना कार्य नहीं कर सकते अगर उनके साथ आठ नहीं है। जैसे सुपरवाइजर होते हैं ना कारखाने में, तो सुपरवाइजर होगा तो काम करेंगे, सुपरवाइजर होगा ही नहीं तो कामगार काम ही नहीं करेंगे। तो आठ जो है वो तो सबसे बड़े सुपरविजन करने वाले हैं। और आत्मा की संपूर्णता का सोलह से वर्णन किया गया है, आत्मा की संपूर्णता का सोलह कला संपूर्ण का सोलह ही क्यों लिया गया है, अंक का कोई विशेषता है क्योंकि अरे बीस लेते तो भी तुम कहते बीस ही क्यों लिया गया, सौ लेते तो भी तुम कहे सौ क्यों लिया गया। इसलिए चंद्रमा से उसका मेल कर दिया है। चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? सोलह कलाएं घटती और सोलह कलाएं बढ़ती। सच्चाई क्या है? चंद्रमा कितने दिन में घटता है, कितने दिन में बढ़ता है, क्या है सच्चाई? अरे सोलह दिन में बढ़ता है, सोलह दिन में घटता है, तो सोलह कलाएं ली गई। और सोलह हजार में जमा के जो आधार गाए जाते हैं, हाँ तो वो सोलह हजार में लिखते हैं क्या अलग? हाँ, जो सहयोगी बच्चे हैं पढ़ाई पढ़ी होगी तभी सहयोग करेंगे या बिना पढ़ाई पढ़े सहयोग करेंगे? तभी सहयोग करेंगे। ब्रह्मा की सोलह हजार भुजाएं गाई हुई है, ब्रह्मा है चंद्रवंश का हेड, तो इस्लाम वंशी थोड़े ही भुजाएं बनेंगे, कौन बनेंगे? जो भी चंद्रवंश के होंगे वो ब्रह्मा की भुजा बनेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा की भुजा के जो बनने वाले होंगे सहयोगी के रूप में वो भी कितने होंगे? अरे वो राइटियस, वो बोले बाबा हाँ क्या करें? अरे हाथ ऊंचा उठाओ, अरे उधर हाथ ऊंचा उठाओ ना, ऐसे करके उठाओ। ये तो इस तरह होगा, अरे जो करना है सो तुम करो ना, पढ़ने को नहीं आते ना, पढ़ने को क्या पढ़े, ले लो आप भुजा हो। बाबा ये माता कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा है बाबा चला जाएगा और मम्मा अंत तक रहेगी, कहा ना है? बाबा चला जाएगा और मम्मा अंत तक रहेगी। हाँ तो है नहीं अभी, मम्मा अभी नहीं है। अरे मम्मा यज्ञ में है या नहीं है? है। क्यों प्रश्न कर रहे? पहले भी मम्मा थी और अभी भी मम्मा है और आगे भी मम्मा रहेगी, क्योंकि रुद्रमाला का मणका है, रुद्रमाला का मणका पूरे चक्र में रहेगा या गायब हो जाएगा? रहेगा। और बाबा ने बोला है संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, तो बाबा क्या श्रीमत के विपरीत चलकर दूसरों को खुश कर देते हैं? कर देते हैं कि नहीं है? दूसरों को खुश कर देते हैं, बहुत प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसा करने से आत्माएं बहुत संतुष्ट हो जाती है, तो इसको भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना कहा जाता है क्या? कहा तो जावेगा, लेकिन अल्पकाल का संतुष्ट करना हुआ
या जन्म जन्मांतर का संतुष्ट करना हुआ, अल्पकाल का संतुष्ट करना हुआ, तो कौन सी प्राप्ति करानी चाहिए? सदा काल का संतुष्ट अगर करना है किसी को तो श्रीमत पर खुद चलें और दूसरों को भी चलाएं। क्या देखे चले गए? अरे भाइयों को चिट्ठियां लिखने क्या दरकार है? दलाले से बोलो, खड़े होके बैठे बैठे बोल दो। माता जी ने चिट्ठी इधर दे दी भाइयों को? नहीं बाबा, घर से सलाह करके आए। अच्छा अच्छा, हिंदी बोलना नहीं आता है ना इसलिए। तो क्या यहाँ तो वो माता हिंदी बोलती है क्या? है? और धड़ल्ले तेलुगु बोलो है? बाबा और एक प्रश्न है, बाबा मंदिर के अनुसार शिव बाबा आते हैं पति करने, वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं और अंतिम जन्म में अंत में आते हैं, अंत के भी अंत में आते हैं, आदि में सेवक राम में आया, फिर अभी राम वाली आत्मा वीरेंद्र दीक्षित में आया। वीरेंद्र दीक्षित में कहाँ आया? इसमें राग क्या है? ये कोई आया ही नहीं वीरेंद्र दीक्षित में, ये झूठ लिख दिया। इनका अंतिम जन्म क्या है मतलब? पहले ये बात काटो, वीरेंद्र दीक्षित में आया कौन कह रहा है? कहाँ के समझाओ, आया ही नहीं। हाँ चलो कोई नहीं आया। हाँ। तो इसका 85th जन्म है ना बोल रहे हैं? 85th जन्म है कौन सा? ये जो जन्म है? नहीं 84th जन्म तो नहीं, ये 84 बर्थ भी है प्रजापिता का। हाँ। और ये एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म भी है जो स्वर्णिम संगमयुगी जन्म है पहला, 21 जन्मों में से पहला, ये डबल जन्म है एक ही शरीर में, इसलिए इसको 84वां भी कहेंगे और इसको पहला जन्म भी कहेंगे। सभी को है? सभी को नहीं, बेसिक वालों को कहाँ? बेसिक वालों का 84वां जन्म वहाँ खत्म हुआ, फिर नया जन्म लेंगे सत्य भी जाकर के। 4.5 लाख आताओं का होगा 21वां पहला जन्म 21 में से संगम युग में होगा। बाबा सांप काटने से मर जाएंगे ना, कोई जरूरी नहीं सब मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? पानी का सांप होगा, पनेला सांप, उसे काटने से नहीं मरेंगे, क्योंकि वो पानी पीता रहता है पीता रहता है, उसके दांत में से सारा विष पानी में बह जाता है। ऐसे ही ज्ञान जल में जो है ना सांप जन्म जन्मांतर के, ये ज्ञान जल में अगर लगातार बने रहे तो उनका विषैलापन सारा सब निकल जाएगा, खून के काटने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा सांप कौन है बताओ दुनिया का? है ये तो शास्त्रों में हो गया, ब्राह्मणों की दुनिया में बताओ कोई दिखा रहा है? दो घंटे हो गए वार्तालाप को क्या है? एक घंटा हुआ है, झूठ बोल दिया। दो घंटे का वो दिखा दिया, चौंका दिया, अब एक घंटा भी नहीं हुआ। हाँ है, इस्लाम धर्म का बीज बड़े से बड़ा सांप है। इस्लाम धर्म जो है वो किसकी छत्र छाया में पलता है? इस्लाम धर्म काम विकार है। रावण का पहला शीश है, उसका कोई बाप है कि नहीं? है कौन है? देवान की गर्दन। देवान कौन है वो? वो पार्ट कौन बजाने वाला है? अरे देवान का पार्ट में कोई बच्चा आता था
लाल लाल कोई बच्ची आती थी बढ़िया अब ज्ञान बुद्धि में है नहीं। अरे पुरुष का शरीर मिला है और कोई नौजवान बच्ची गोद में आएगी, चाहे बुढ़ा हो चाहे बुढ़ी। बाबा मुरली में बोलते हैं 70 साल के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनकी इंद्री कंट्रोल में नहीं होती, तो लीकेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन वो देहभान वो छोड़ता नहीं। तो वो इस्लामियों का भी बाप कौन हुआ? है वो उनका भी बाप हो गया। तो पूछा है तो बात कुछ और हो रही थी, बड़े से बड़ा सांप कौन है? है बड़े से बड़ा सांप कौन है? ब्रह्मा बाबा अभी है या नहीं इस दुनिया में? है कि नहीं है? अभी है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। शास्त्रों ने उसका नाम क्या दिया है? अरे शास्त्रों में कोई नाम दिया है? हाँ शेषनाग भी नाम दिया, वासुकी नाम भी नाम दिया, कालिया नाग भी नाम दिया, है बलराम। उनका शास्त्र क्या दिखाया है? हल दिखाया है। ये जिम्मेवारी का हल रखा हुआ कंधे पे उनके, बहुत विनाश करता है। क्या क्या करता है हल? अरे हल कुछ करता है कि नहीं? धरणी को चीर देता है। तो कौन है धरणी? हाँ हाँ बीज बोने के लिए, हम कहाँ कहने के बिना बीज बोने के लिए। अच्छा काम है, तुम भी करके देख लो। बीज बोने के लिए धरणी के, वो तो ठीक है सारी बात सही है, लेकिन जो बीज बोया जाता है वो उस बीज से इस्लामियों का भला होता है? इस्लामियों को विकारी सुख मिलता है या देवताओं को मिलता है? दूसरे दूसरे धर्म वालों को मिल जाता है, लेकिन देवताओं को तो सुख मिलने वाला सचित्रता में नहीं है। तो वो हर बलराम अभी अपना पार्ट बजाए रहा है या नहीं बजाए रहा है? वो बलराम अभी भी बड़े से बड़ा सांप है, 7 फनों वाला। जब संपन्न स्टेज होती है तो वो विष्णु की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? छत्रछाया देखी विष्णु के ऊपर? शास्त्र में दिखाई जाती है वो सात और नारायण बलराम के सहयोगी होकर के उनकी सुरक्षा करते हैं। शास्त्र में उनका नाम दिया है संकर्षण भगवान, उनको भी भगवान समझ लेते हैं, जैसे कृष्ण को भगवान समझ लिया। तो देखो उनका प्रैक्टिकल रूप अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं है? पार्ट बजा रहा है। वो पार्ट बजाने वाला सांप अभी ज्ञान जल पीता है या नहीं पीता है? है? पीता है। तो वो भी निरंश बन जाएगा या विषैला ही रहेगा? वो भी निरंश बन जाएगा। उसका सारा ही विष जो है जब प्रत्यक्षता होगी, 4 आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, तो सारा विष खलास हो जाएगा। इसलिए बोला कि सांप के काटने से मर जाएंगे, ये बात झूठी है। लिखी तो है लेकिन झूठी साबित हो जाती है, और है भी ऐसी कि बाढ़ में जो सांप आते हैं वो उनका विष असर नहीं करता। हाँ मोस्टली ऐसा होता है कि सांप के काटने से मनुष्य मर जाता है, इसलिए लोग डरते बहुत हैं। कोई को तो सफेला वो पनीला सांप काट लेता है तो इतना अंदर से हादसा आ जाता है कि ऐसे ही मर जाते हैं, विष चढ़ा भी नहीं, डर के मारे ही मर जाते हैं। हाँ तो काटने से मर जाएंगे। तो मनुष्य और सांप का संबंध क्या है? अरे संबंध जो है समान बंधन जो है इंद्रियों का, समान वाले से जोड़ा जाएगा या मनुष्य का सांप से जोड़ा जाएगा? समान वाला। अरे आदमी है, आदमी
और सांप है लंबा लंबा सर्पिणी, हम दोनों की शादी कर दो। अब उनकी उनकी शादी करेंगे तो इंद्रियों का संबंध जुड़ेगा है? जाने क्या क्या पूछने लगते हैं उनका हिसाब किताब कैसे बनता है। हाँ दिखाया है कि मनुष्य 84 लाख योनियां नहीं लेता है, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे कर्म करता है।